ओम शांति। मेरा सूर्य का नाम है बीके मोहन। इसी ब्रह्मा को इस ज्ञान में चलते हुए आज तो सात साल खत्म होने वाला है मेरा। तो ये ज्ञान लेके मैं इतना खुश हूँ। मुझे पता ही नहीं था कितना पहले भक्ति करती थी मैं, कीर्तन गाती थी, भागवत गीता गाती थी। मेरा पिताजी बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत। जहाँ भी जाए मेरा पिताजी बस मुझे लेके जाता है, साथ में अंगुली पकड़ के लेके जाता है। बेटा ये पूजा करने से ना भगवान सब कुछ देता है, ऐसे बोलते हैं। मेरा पिताजी बहुत भक्ति करते थे, लेकिन पता नहीं था ये भगवान जी आ चुका था। भगवान जी आके हम लोग को इतना भक्ति मार्ग में इतना ज्ञान सुना के भक्ति लोगों को इतना दिया था, मुझे भी पता ही नहीं था। कीर्तन भजन गाते गाते मुझे एक माता मिल गया, ब्रह्मा कुमारी का बीके मोहन, ये मैनू माता जोरहाट का वो रहने वाली है। तो उसने बोला तुम इतना अच्छा कीर्तन गाते है लेकिन ये थूकना पड़ेगा, तुम आओ ना मेरे साथ। तो मैंने बोला दीदी कहाँ जाना है बताओ, तुम्हारा पास में ही है, लेकिन मेरा बगल में ही है ये ब्रह्मा कुमारी का सेंटर, पता ही नहीं था। तो उन्हीं का साथ आया। ये ज्ञान का कोर्स उठाने के लिए 7 दिन बोला, उस टाइम पे तिलक भाई था। तिलक भाई को बोला, माता जी ने बोला इन्हीं बहन को आप ज्ञान सुनाओ, इतना भक्ति मार्ग पे इतना डूबा हुआ है, उसको पता चल जाए किसको भक्ति करते थे। तो पहले दिन जो कोर्स करने आई थी उसी दिन ही मैंने कोर्स का ये साइड में बैठा था, मुझे ऐसा अजीब सा ये लगा। तो पता नहीं है क्या, कहाँ से आए हूँ मैं, क्या सुनने आए हूँ, इतना अच्छा लगा उस दिन। पहले दिन आते आते मुझे इतना अच्छा लगा। तो ज्ञान जब सुनाने लगा तो भाई ने मुझे बताया आप क्यों नहीं आया था इतना दिन, या इतना पास में ही है सेंटर, आप तो ये ज्ञान उठाना सही है, भक्ति 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 में रहते हैं आप, तो आपका बारे में सुना है। मैंने बहुत भजन कीर्तन किया और जहाँ भी जाऊँ कंपटीशन करने वहाँ फर्स्ट प्राइज मिलता है मुझे भक्ति में। तो मैं कृष्ण को विष्णु को इतना मानती है। तो जब ये राज मुझे पता चला ये कोर्स करने के बाद, तब मुझे इतना सेम जाया जो खुद का भक्ति कर तो मैं थक सकी हूँ, लेकिन ये ज्ञान उठाने के बाद मुझे ऐसा लगा इतना अच्छा ज्ञान है। जो जिसको ये भक्ति करने का ये शौक है वो ब्रह्मा कुमारी में आके इसका ज्ञान का फायदा उठाइए, किसको भक्ति कर रही है, क्या खोज रही है, किसको मान रही है, तो ये सारा ज्ञान ब्रह्मा कुमारी से दे सकता है आप लोग को। तो आओ हम भी बहुत खुश है, इसे ज्ञान उठाते उठाते इतना चेंज आ गया है हमारा। तो पहले मेरा बहुत निगेटिव थॉट था और गुस्सा बहुत था, ये ज्ञान आने के बाद मुझे ऐसा लगा ये गुस्सा करने का कोई फायदा ही नहीं है और ये निगेटिव थॉट भी नहीं है, कोई कुछ सोचे तो कुछ बोले तो। मुझे ऐसा महसूस हुआ इतना सुनना पड़ता किसी का निगेटिव भी, मुझे इतना थॉट ये जल्दी जल्दी आ जाता है, अभी ऐसा खत्म होने लगा कोई कुछ बोलने दो, क्योंकि ये इसे ज्ञान परमात्मा ने दिया हुआ है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा से परमात्मा का ज्ञान है। तो ये ज्ञान आप लोग जब सुनेगा, जब आप लोग को दिल भरेगा, तब आप लोग को पता चलेगा जो हम लोग इतना भक्ति करने का बाद भी भगवान ने हम लोग को सुकून नहीं दिया है, लेकिन हमको जैसे सुकून मिला है इसे ज्ञान में, आप लोग को भी बहुत 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 रिक्वेस्ट है आप लोग आओ इसी ज्ञान का फायदा उठाओ, आप लोग भी बनो तो हम लोग का परिवर्तन कितना हुआ है आप लोग खुद देखाएं। कोई लोग तो बोलते हैं पहला जैसा नहीं है और तो भक्ति करने भी छोड़ दिया। मैंने भक्ति करने छोड़ा नहीं है, लेकिन ज्ञान जो ऐसा है, जो ज्ञान आप लोग धारण करेगा जब सुनेगा, आप लोग उसी राज्य का था ना, तो देवी राज्य का था और सब भूल गया है आप लोग। इसी ज्ञान का फायदा उठाने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पास में ही है, आप लोग आओ जितना लोग हो सके इसी ज्ञान का फायदा उठाने के लिए लोगों को आप लोग बोलो, खुद भी आओ। हम जैसे अभी चेंज हुआ है इसी ज्ञान सुन के, लोगों को देते रहता है, बोलते रहता है, अभी जगह जगह जाके ये ज्ञान सुनाना पड़ता है और सुनने वाले भी बोलते हैं बहुत अच्छा है। कोई तो आके बोला इतना ज्ञान अच्छा है, हम लोग गया ही नहीं है, जाता ही नहीं है, लेकिन अभी आने से पता चलेगा आप लोग को बहुत सारा, कोई माता लोग यहाँ आया, भाई लोग भी आया, इसी ज्ञान का फायदा उठाया और सभी लोग वो लोग मिल के अभी ऐसा ऐसा जगह जगह मुझे लेके जाता है, सुनाता है ये ज्ञान आप सुनाओ, इसे सुनाने से इतना अच्छा लगता है। ऐसे ज्ञान ये ध्यान करने का बाद बहुत चेंज होते हैं लोग, बहुत चेंज होते हैं। अभी मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, मेरा घर में ही खुद का ही मेरा हस्बैंड का साथ है तू मैं सलते रहता है, लेकिन अभी ज्ञान में सलने का बाद उसने खुद ही बोला है नहीं मेरा फैमिली अभी ऐसा है
तो दिव्या रूप में दिव्या बनती रहती है, मुझे तो अभी पता चला, वो भी ज्ञान में आने लगा, वो भी सुनने लगा, मेरा बेटा भी चेंज हो गया। इसे ज्ञान का फायदा सभी लोग, हमारा गांव का परिवार लोग मुझे इसे ही देखते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी में जाते ही बहुत चेंज हो गया है। इसलिए ज्ञान का इतना नशा चढ़ने वाला लोग देखते देखते हमको भी अच्छा लगता है, और खुद हमारा इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन। मैंने बोला ना, पहले बहुत निगेटिव थॉट्स था, इतना निगेटिव, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे मानता भी ये नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जाके इतना सेंस करना पड़ेगा, यहाँ का लोग, भाई बहन लोग इतना अच्छा है, इतना अच्छा, इतना यहाँ आने से, यहाँ पाव रखने से आपको सेंस जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान का भंडार है। ये ज्ञान जब आपको लगेगा क्या है क्या, जब अंदर आएगा, इसमें जब बैठेगा सुनेगा, तब आपको पता चलेगा ये ब्रह्मा कुमारी ज्ञान क्या है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी मैंने देते रहा, और मुझे सभी लोग बोलता है बहुत चेंज हो गया, लेकिन हाँ खुद को मुझे पता है, मैंने पहले जैसे तू तू मैं किसी का साथ बस बोलते रहती हूँ, जाते रहती हूँ, कुछ ना कुछ किसी का ऐसा बात सुनना पड़ता है, अभी कोई कुछ बोले कुछ ना बोले, क्योंकि सिर्फ मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा समझने से इसी बात का कोई ताल्लुक नहीं रहता है। इसलिए मुझे बहुत पसंद है, अभी तो 7 साल खत्म होने वाला है मेरा ये ज्ञान, यहाँ चल रही हूँ अभी, मेरा घर पर भी चलता है, मेरा हस्बैंड भी आ नहीं सकता है, लेकिन उसने मुझे बहुत बहुत चुनौती देता है, बेटा भी चलता है, वो भी मानता है कि माँ सही रास्ता पे गया है, ज्ञान अच्छा है, इसी चीज में रहने से बहुत सुकून मिलता है। तो इसीलिए बेटा का भी मेरा साथ निभाना पड़ा, हस्बैंड का भी साथ। पहले मेरा बहुत बहुत ये गुस्सा का बात वो लोग बोलते हैं, अभी तो माँ कुछ बोलने से, बेटा भी बोलता है, माँ कुछ बोलने से भी बस गुस्सा नहीं करते हैं, पता नहीं माँ का क्या चेंज हो गया, आसपास लोग भी देखते रहता है, ये ज्ञान उठाने का बाद ही इनका बहुत चेंज आया है। तो कोई बोला है तो ब्रह्मा कुमारी जाने से बहुत खुद भी चेंज होता है, किसी को भी चेंज कर लेता है, तो मेरा भाग भी ऐसा बना है, भगवान ने मुझे बनाया है, लोग मुझे देख कर भी और चेंज हो रहा है, आसपास पर्सन भी ऐसे चेंज हो रहा है बोलते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत 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 रिक्वेस्ट है, आप लोग भी आओ, इसी ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान आप लोग उठाओ, तो आप लोग को भी ऐसा ही सुकून मिलेगा, ऐसा ही आप लोग को सुख शांति बस बहुत कुछ अनुभव मिलेगा। मुझे जैसे अभी इतना अनुभव मिल रहा है बाबा का ज्ञान लेके, तो कहीं पे भी जाओ, मुझे लोग ऐसे पूछते हैं आप कौन सी जगह से आई है, तो आप लोग का सफेद ही वस्त्र पहनना पड़ता है, ये बात नहीं है, सफेद वस्त्र का बात नहीं है, तो ज्ञान का बात होना चाहिए। तो 2 साल बाद मेरा बेस दे के पूछते हैं लोग ये किस लिए पहनते हैं, तो इन्हीं का ऊपर एक ज्ञान सुनाना पड़ता है। ऐसे ज्ञान सुनाते सुनाते लोग बहुत आए हैं सेंटर पे, तो रास्ता में हो, घर में भी हो, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, तो लोगों को ये ज्ञान का नशा चढ़ाते हुए मुझे अच्छा भी लगता है सुनाने के लिए भी। भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, और मैंने भी ये निमित्त बन के लोगों को ज्ञान सुनाते हैं, और सुना सुना के आज तक भी इसी सेंटर में ना आने से बहुत माने मन को बहुत दुख लगता है, लेकिन मेरा शरीर का प्रॉब्लम भी बहुत था, बहुत था। सिर्फ ज्ञान में चलने का बाद ही मेरा यह बीमार भी बहुत 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 खत्म होने लगा है, पता नहीं क्यों ऐसे ज्ञान धारण करने का बाद ही एक एक बीमार का कीटाणु भस्म होने लगता है, जैसे पाप भस्म होता है ना, ऐसे भस्म होने लगा। मेरा बीमार से भी मेरा छुटकारा मिला, और निगेटिव थाट से भी छुटकारा मिला, कोई कोई चीजों से मेरा बहुत निगेटिव था, तो वो सारा सारा का ये थॉट से मैं राहत मिली हूँ, अभी बस ज्ञान पे चल रही हूँ, आगे भी चलते रहूँगी। आप लोग को भी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग भी आओ, इसे ज्ञान निभाने से बहुत अच्छा लगेगा, खुद को बहुत 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 सेंज लगेगा, बहुत अच्छा है सड़क का ये ज्ञान, भक्ति मार्ग वाला ज्ञान, ये एक ब्रह्मा कुमारी से आप लोग को दे सकता है। आप लोग आओ, इसी का फायदा उठाओ, और इसी का ज्ञान धारण करके आप लोग का खुद भी जीवन बस धन्य बनाओ। ओम शांति।